इनका फास्ट ट्रैक था, वो पैसा ज्यादा कट रहा जबकि वो दूरियां कम चलते हैं, कारण क्या है उसका? इसका कारण ये है, पहली सबसे बड़ी कारण तो ये है कि लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर हाईवे पर, अगले टोल पे नहीं क्रॉस करके, पहले से ही घूम के आ जाते हैं। कुछ लोग ड्रिंक करने की वजह से जाते हैं, कुछ लोग और कारणों की वजह से जाते हैं, तो टोल ना क्रॉस करके पहले ही रिफंड आ जाते हैं, तो गलत अमाउंट डिडक्ट होता है। दूसरा कारण ये है कि गाड़ी से 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर की दूरी बना के रखेंगे तो गलत अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, क्यों? साथियों नमस्कार, आयर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों आज हम आपको लेके आए कूड़े भार टोल। ये टोल कूड़े भार के नाम से ही जाना जाता है, जब भी आप सर्च करेंगे कहीं तो आपको कूड़े भार टोल के नाम से ही हर जगह मिलेगा। साथियों आपको इसलिए इस एक्सप्रेस वे पर ले आए हैं क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जब भी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो आपके फास्ट ट्रैक से ज़्यादा पैसे कट रहे हैं। कम दूरियाँ आप यूज करते हैं तब भी आपको जो उतना पैसा आपके अकाउंट से कट रहा, और आप ज़्यादा पैसा ज़्यादा दूरी यूज करते हैं तो भी आपके अकाउंट से वही पैसा कट रहा। ये आपके सपनों का एक्सप्रेस वे है। आपको देखे होंगे कि प्रधानमंत्री और SSP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया, और ये आपको टोल ये 1 मई से स्टार्ट हुआ। अभी हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजर साहब से और जानेंगे कि किन किन कारणों से ये समस्याएं आ रही हैं। लगभग आपको बता दें कि यहाँ पे सर अक्सर किनारे किनारे देखेंगे कि जो सुरक्षा के लिए वायर लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं, उसका भी चोरी हो रहा है। तो हम उस पर ये देखेंगे कि जो कंपनी है उस पर कौन सा एक्शन ले रही और पेट्रोलिंग की व्यवस्था क्या है। और जब हमने देखा है कि लोग क्षेत्रों में कहीं कहीं पेट्रोल पंप के पास में खड़े होकर वो गैलन लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल ले आ रहे हैं, फिर एक्सप्रेस वे पर चढ़कर गाड़ियों में डालकर निकल रहे हैं, उसके लिए इनके पास क्या व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनकी सुविधाओं को ये कैसे मुहैया उपलब्ध करा पाते हैं। हम आए हैं, ये कूड़े भार टोल है, और उस टोल पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम चर्चा करेंगे कि यहाँ जो डिडक्ट हो रहे हैं अकाउंट से पैसे ज्यादा दूरी कम दूरी के लिए, उस पर चर्चा करेंगे, सुविधाएं क्या है उस पर चर्चा करेंगे, और चोरियां कुछ हो रही हैं इस पर उस पर चर्चा करेंगे। ये हम बैठे हैं यहाँ मैनेजर साहब के पास, हम नाम जानते हुए उन सारी चीजों को जानेंगे कि लोगों को सुविधाएं कैसे मिले। तो सर पहले तो मैं आपको आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो लोग राहगीर हैं, हम तो अपनी भाषा में राहगीर ही कहेंगे, कि वो लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो उनको लगता है कि उनका डिडक्शन जो भी है पैसे का, उनका फास्ट ट्रैक था, वो पैसा ज्यादा कट रहा जबकि वो दूरियां कम चलते हैं, कारण क्या है उसका? इसका कारण ये है, पहली सबसे बड़ी कारण तो ये है कि लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर हाईवे पर, अगले टोल पे नहीं क्रॉस करके, पहले से ही घूम के आ जाते हैं। कुछ लोग ड्रिंक करने की वजह से जाते हैं, कुछ लोग और कारणों की वजह से जाते हैं, तो टोल ना क्रॉस करके पहले ही रिफंड आ जाते हैं, तो गलत अमाउंट डिडक्ट होता है। दूसरा कारण ये है कि गाड़ी से 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर की दूरी बना के रखेंगे तो गलत अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, पता चला दो गाड़ी साथ में आई और दोनों गाड़ी में फास्टैग, और सामने वाले का फास्टैग रीड ना हुआ, पीछे वाली गाड़ी का रीड हो गया है, तो जब लास्ट टोल पे अपने जिस टोल पे जाएगी उसका एंट्री ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएगा, जब एंट्री ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएगा तो उसका गलत अमाउंट ही डिडक्ट होगा। इसके लिए हम गाड़ी वालों से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा दूरी गाड़ी वालों से जब लाइट टोल पार करते हुए और टोल जब पार करें तो उनकी एक दूरियां होनी चाहिए कि जिससे पहली गाड़ी जब निकल जाए तब उनकी गाड़ी पार करे। जी हाँ जी जी जी। जैसे एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि 500 रुपए 600 रुपए 400 रुपए कम दूरी के चलते उनका कट जाता है, क्या ये पैसे रिफंडेबल भी है? जी जी, हम हर गाड़ी के अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, हर एक गाड़ी का अमाउंट, हम जो जिनका गलत अमाउंट डिडक्ट हो रहा है उनके सर हर एक आदमी का अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। और एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी हाल में कहीं कहीं सूचनाएं हैं कि चोरियां ज्यादा हो गई, लोगों के तेल गायब हो रहे हैं, किनारे किनारे वायर गायब हो रहे हैं, तार जो जोड़े गए हैं कभी कभी जानवर घुसे मिल जाते हैं, क्या है इस पर सुविधाएं क्या है, और जो गायब हो रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगेगा? जानवर के लिए तो क्या है कि हमारी गाड़ियां ऑलरेडी हर टोल पे एक एक गाड़ियां लगी है जानवर के लिए, और उनको एक जानवर पकड़ने पर 2000 रुपये भी मिलता है, इसलिए वो जानवर पकड़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं हाईवे पर। और जो चोरियां वगैरह हो रही हैं उनका हमारी पेट्रोलिंग टीम है, उनको कवर कर रही है, उनको देख रही है, सब चीज कर रही है। हमने ये देखा कि अभी पास के ही पेट्रोल पंप जो एक्सप्रेस वे से नीचे
बना हुआ है, उस पर यात्री गैलन लेके लोग पेट्रोल ले आ रहे थे, शायद उनकी गाड़ियों से पेट्रोल खत्म हुआ था। ऐसे में जैसे आप गाजीपुर से चढ़े और बीच में आप कहीं पेट्रोलिंग का आपको नहीं हो रही, सुविधाएं क्या है आपके यहाँ और लोग परेशान है उसके लिए, तो कब आपकी ये पेट्रोलिंग व्यवस्था दुरुस्त हो रही और लोगों की सुविधाएं कैसे मिलेंगी अभी अभी हाल में? अभी अभी हमारी पेट्रोलिंग टीम है पूरे एक्सप्रेसवे पे, हर एक जगह आप देखेंगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। अगर आपको गाड़ी में आपको कहीं भी कोई भी असुविधा समझ में आ रही है तो 24 आवर्स में आप किसी टाइम फोन करेंगे, 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर हमारी टीम पहुंच के आपको कवर करके आपकी सारी सुविधा दूर करेगी। अच्छा, एक्सीडेंट के टाइम जैसे कहीं ट्रेजेडी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? अपने यहाँ पूरे भारत आपका टोल प्लाजा है, इस पर क्या क्या सुविधाएं अभी तक आपने उपलब्ध करा रखी है कि लोगों को सुविधाएं तुरंत मिल जाए? उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो सूचना मिलते ही 5 से 7 मिनट के अंदर 8 मिनट के अंदर आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और उसके बाद हमारी पेट्रोलिंग की टीम है वो पहुंचेगी, जेसीबी क्रेन जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी वो सारी सुविधाएं हमारे हमारी तरफ से दी जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है। एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि जैसे अभी देखा है हाल में जब से ये स्टार्ट हुआ 1 मई के पहले भी और हाल में, इस पे किस कारण एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं? जैसे हमने ये देखा कि अभी हाल में मायंग के पास में एक हुआ, एक ट्रक वाले का हुआ, क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, एक्सप्रेस वे ज्यादा हो स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, बिल्कुल आराम से और यातायात नियमों का बिल्कुल पालन करते हुए ही गाड़ी चलाएं, नहीं तो ऐसी तकलीफ तो आती रहेगी ओवर स्पीडिंग की या और ओवर स्पीडिंग, ज्यादातर एक्सीडेंट ओवर स्पीड और ड्रिंक के कारण ही हो रहे हैं। अच्छा, ओवर स्पीड तो हम भी यात्रियों से ये कहना चाहेंगे जो एक्सप्रेस वे पर आपका ये सपनों का एक्सप्रेस वे है उस पर जब भी चले तो नियंत्रित गति से चले, सारे नियमों को फॉलो करें। और आपको बता दें, सर ने बताया कि आपको अगर कहीं कहीं पेट्रोलिंग की कोई समस्या आती है तो हर जगह गाड़ियों के नंबर लिखे गए, इनके जो टीम चल रही उनके नंबर लिखे गए हैं, उन नंबरों के जरिए आपको पूरी सहायता मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी, आप उस नंबरों को डायल करें और पूरी मदद लें। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। रामकृष्ण पांडे के साथ कैमरामैन संदीप अग्रणी।